Hey all my dear friends, so here we are going to deal with Lucas test and Victor Mayer. Think about rearrangement kyun likh raha hu bachcha log. This is very very important for your CBSE board, my dear students. ये आपके नीट एंड आईआईटी में तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, बट हाल फिलहाल आपका 28 को जो पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट तो आपको अल्कोहल चैप्टर में भी मिलेगा और एल्किल हैलाइड में भी मिलेगा, मीन्स दो चैप्टर्स में मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट हेलो एल्केन की क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन में मिलेगा और एल्किल हैलाइड की वो यस केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा. एंड दिस विक्टर मेयर टेस्ट, दिस इज नॉट गिवन इन योर यस एनसीईआरटी, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. इस पर बेस्ड चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाती हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं इन बिटवीन द लाइन्स जो एनसीईआरटी लिखती है वहीं कहीं से आता है और कई बार इस पर क्वेश्चन आए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो दिस ल्यूकास टेस्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस फॉर नीट एंड योर बोर्ड, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड प्लस नीट. और दूसरा वाला जो है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट इज मेनली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए है. ये मेनली नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विक्टर मेयर टेस्ट. चल तो स्टार्ट करते हैं और देखिए सबसे पहले मैं ल्यूकास टेस्ट से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ल्यूकास टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा लोग. सो लेट्स सी ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट में करना क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले हम ल्यूकास टेस्ट में स्टार्ट कहाँ से करना है. ये अल्कोहल का टेस्ट है और अल्कोहल तो बहुत ही बड़ी चीज़ है. तो ल्यूकास टेस्ट मेरे प्यारे बच्चा लोग, जैसे हम लोग छोटे थे, आप छोटे थे, मैं अपने टाइम में छोटा था, तो लैब में जाते थे. जनरली तो बच्चे क्या करते हैं, लैब में जाके ना टेस्ट ट्यूब में ये मिलाया वो मिलाया हरा का पीला किया, बस यही करते रहते हैं. लेकिन जो शानदार सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले मैम की या सर की बात सुनते हैं. और मान लो मैम आपको लैब में ले गई और मैम कहेंगी बच्चा लोग ये देखिए बीकर है और इसमें अल्कोहल है. अल्कोहल जैसे मिलता था हम लोग खुश हो जाते थे, वाओ अल्कोहल. अल्कोहल नाम एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, पीने के काम आता है, लेकिन सारे अल्कोहल तो पीने काम नहीं आते. क्या तो मैम कहती थी बच्चा लोग पेपर लो और पेपर पे नाम लिख दो. हम सोचते थे किसका नाम लिख दें, तो किसी का भी नाम लिख दो. ऊपर से अल्कोहल के ऊपर से देखते थे तो पेपर पे लिखा हुआ नाम नज़र आता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है. तो फिर इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालना है. हमने क्या डालना है बच्चा लोग, ल्यूकास रिएजेंट. मिलियन डॉलर प्रश्न पैदा होता है कि ये ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, वो मैं अभी बताता हूँ. लेकिन इसमें ऐड करना है ल्यूकास रिएजेंट. जैसे ही आपने इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला तो कुछ प्रतिक्रिया होगी, मीन्स समथिंग विल हैपन. ल्यूकास रिएजेंट डालते ही या तो इमिडिएटली कुछ नज़र आएगा आपको होता हुआ, या 5 मिनट बाद नज़र आएगा, और या फिर पूरा क्लास खत्म हो जाएगा नज़र ही नहीं आएगा. आइए फिर मैम कहेंगी कि इसको थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाओ, खड़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 , थोड़ा सा ज़्यादा देते नहीं पता चला बाहर निकल आया, हल्का हल्का हिलाया. बच्चा लोग क्या नाम दिख रहा है अभी भी? नो मैम, वो तो नाम दिखना एकदम बंद हो गया. ओ सो नाम दिखना बंद हो गया तो इसका मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल है, यानी कि मट मैलापन आ गया इमिडिएटली. तो इमिडिएटली अगर टर्बिडिटी आ जाए बच्चा लोग, अभी अंदर क्या हुआ होगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो देखा होगा CID सीरियल में डॉक्टर तारिका कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती है नहीं सालुखे. तो इमिडिएटली अगर टर्बिडिटी अपीयर हो जाए, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, इमिडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमिडिएटली, तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि गिवन अल्कोहल वॉज 3 डिग्री अल्कोहल, वो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा. पहली चीज
अभी क्या हुआ होगा अंदर इसके, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन अगर टर्बिडिटी आने में थोड़ा टाइम, यानी कि 5 मिनट बाद आए टर्बिडिटी, कितने मिनट बाद आए, 5 मिनट बाद, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, बी बात, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, दिस इंडिकेट्स सेकेंडरी अल्कोहल। 5 मिनट में आएगी टर्बिडिटी तो सेकेंडरी अल्कोहल इमिडिएटली आ जाए तो प्राइमरी अल्कोहल, और बहुत लंबे टाइम के बाद आए सी बात, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। अब बात मिलियन डॉलर ये पैदा होती कि ये टर्बिडिटी आई क्यों और हुआ क्या और ल्यूकास रीजेंट होता क्या है, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और देखिए वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले व्हाट इज ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास रीजेंट होता क्या है, सबसे पहला मुद्दा इस बात का है। तो याद रखिएगा यही प्रश्न आ सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट इज एन इक्यूमोलर सॉल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl, जिसको मुरियाटिक एसिड भी बोलते हैं, कंसेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अब बच्चा कह रहा होगा अभी बीच में आपने सर कुछ बोला था, वो क्या बोला था, मैं लिख देता हूं, मुरियाटिक एसिड, HCl इज ऑल्सो नोन एज मुरियाटिक एसिड, आपके लिए नाम बहुत नया होगा लेकिन आ चुका है, IIT या NIMS में पूछा जा चुका है, मुरियाटिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। अब ये करता क्या है, लेट्स सी। ल्यूकास रिएजेंट अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल CH3 OH, ऐसा कार्बन जिसपे 3 कार्बन लगे हो, OH लगा हो, दिस इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कभी कभी टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी मिलेगा आपको लिखा हुआ। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है बच्चा लोग, कि जब इसकी रिएक्शन होगी ल्यूकास रिएजेंट से, ये एरो कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं बन गया क्या भाई, बहुत मोटा ताज़ा लग रहा है, थोड़ा पतला होना चाहिए तुम्हें, ओके, जब इसकी रिएक्शन हो जाए ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ल्यूकास रिएजेंट, तो हमें मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एंड इस टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के जल्दी से बनने के कारण टर्बिडिटी, टर्बिड सॉल्यूशन होता है ये, ट्रांसल्यूसेंट होता है टर्बिड सॉल्यूशन या टर्बिडिटी इसी की होती है। और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, विद इन सेकेंड्स हो जाती है, तो इमिडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्बिडिटी इमिडिएटली पैदा करता है। इसका रीजन भी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो फर्दर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, सो दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ हाईली बेसिक, और हाईली बेसिक है तो इसलिए जल्दी रिएक्ट कर जाता है। आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन मैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ मूव करूं उससे पहले बहुत ही महीन मुद्दे की बात बताता हूं, कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि आपने इसमें ल्यूकास रिएजेंट नहीं डाला होता, सिंपली आपने इसको शेक कर दिया होता
HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ सिंपली आपने शेक कर दिया होता, सिंपली आपने शेक कर दिया होता, तब भी ये रिएक्शन हो जाती। सिर्फ टर्शरी अल्कोहल इस HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, बाकी सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको ल्यूकास रिएजेंट चाहिए होगा। लेकिन मुद्दे के बाद बच्चा सोच रहा होगा, गुरुजी ऐसी क्या बात है कि ये OH क्यों नहीं जा रहा? मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। सर अच्छे से बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक समझाइए। मैं इस पे चार्ट पे दोबारा से लौट के आऊँ, तब तक साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कार्बन के पास OH लगा हुआ है, इसको आप हटाइए, इसको बाहर निकालिए, ये OH, और HCl जो हम डाल रहे थे उसका Cl, उसको भी बाहर निकालिए, ये आ गया हमारा Cl नेगेटिव। इन दोनों में अपनी तरफ से H प्लस जोड़ दो आप, ये HOH बन गया और ये HCl बन गया। कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड, माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस, ये वीकर बेस है, वीकर बेस है, वीकर बेस है। और जो वीकर एसिड, ये वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, यस, स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस, और ये स्ट्रॉन्गर बेस, यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस जो है पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। एक तो दृष्टिकोण ये है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर ये टफ लग रहा है हमको, तो एक और तरीका है इस बात को समझने का, वो देखते हैं। वो तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। ये हमारे पास OH है, ये कार्बन 2P है और ये O भी 2P है, 2P 2P, यानी कि रिश्ता बराबरी का बहुत स्टेबल है। और इससे बनना है कार्बन पे क्या लगना है? क्लोरीन लगना है। कार्बन 2P है और क्लोरीन 3P है, देखिए रिश्ता कमजोर है, बराबरी का नहीं है, तो जाने वाला मजबूत है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर एंड रिलीज्ड इज लेस। तो चलिए वापस लौटे इसको, ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई बिहार का बंदा, कहते हैं ना बिहारी जिसका साथ पकड़ ले छोड़ता नहीं है लास्ट तक, चाहे वो कोई भी दामन हो। तो ये एक बिहारी ट्रेन पे बैठा है, एक बिहारी सब पे भारी, तो बिहारी ट्रेन की सीट पे बैठा है और क्लोराइड आया, बोला हटो इससे, हटो सीट से। क्या ये क्लोराइड हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो टीटी को लेकर आएगा, टीटी को लेकर, और टीटी कौन है? ZnCl2। अब वो ZnCl2 क्या करता है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये कार्बन लगा था, इस पर OH था, और इस OH को हटाने के लिए HCl की दम थी नहीं, तो वो किसको लेकर आ गया? HCl बोला हम इंतज़ार कर रहे हैं ZnCl2, तुम लोवेस एसिड हो, क्या हो? लोएस एसिड हो, तुमको पैसा चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, जा ये हार्ड कैश मनी देखिए, लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जाके अटैक कर दो। इसने आके यहाँ पे अटैक किया और इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया और ये देखिए कैसा नज़र आया, COH, और इसका इलेक्ट्रॉन उसका हो गया ZnCl2, ZnCl2, और ZN ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कह रहा भैया आई कांट टॉलरेट दिस पॉजिटिव चार्ज, हमसे ये चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं जा रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है, अंगद ने कहते हैं रामायण में देखा होगा, पैर रख दिया और बोलते थे जा हिला रावण की सेना से, कहा कोई नहीं हिला पाया, मैं होता स्विच वो देता अंगद के पैर में, अपने आप पैर हटा लेता। तो देखिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। सो दिस इज फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म, और जब भी कार्बोकेटाइन बनता है थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट बनाना हो तो थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट। मैं थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट क्यों लिख रहा हूँ बच्चा लोग? क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट से बेनिफिट हो रहा तभी तो रीअरेंजमेंट कराओगे, तो अगर इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो रीअरेंजमेंट करा लो, नहीं तो कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिसका कार्बोकेटाइन
जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। आओ लौट चलें अपने उसी जगह पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि वो चार्ट अपना, ये चार्ट के बाद एक स्लाइड आनी चाहिए थी हमारे पास, वो स्लाइड ये रही। तो इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। आइए देखते हैं इसके बाद कौन था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कम स्टेबल होगा। यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को इलेक्ट्रॉन देने वाले कम लोग हैं। एक ये अल्काइल दे रहा है, एक ये दे रहा है, वहाँ पे तीन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था, यहाँ दो प्लस आई है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। एंड दिस इज द ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, ऊपर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसकी रिएक्शन जब आप करेंगे तो आपको टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद मिलेगी, दैट मीन्स CCl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आंसर आ जाएगा। एंड टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स थी वहाँ पर, यहाँ आफ्टर 5 मिनट्स, और अगर मैं बोलूँ इसकी रिएक्शन सिर्फ HCl से कराई होती आपने, तो क्या ये रिएक्शन होती? ना बाबा ना, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल विथ ओनली विथ HCl। सिर्फ HCl से कराओगे तो ये रिएक्शन वॉन्ट टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा हमें? ल्यूकास रिएजेंट। बिना ल्यूकास रिएजेंट के ये रिएक्शन संभव नहीं है, तो आपको ल्यूकास रिएजेंट यूज करना ही करना पड़ेगा। क्या इतनी बात आ रही सभी को? यस, बहुत बढ़िया, इतनी बात सभी को आ गई। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में देखिए क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा किया जाए इसको, जिससे कि सब बच्चे मोबाइल में भी देख पाए इसको अच्छे से। आइए देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होगा? CH3, CH2, OH, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इसमें कार्बोकेटाइन भी कम स्टेबल बनेगा, तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी और इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। टर्बिडिटी बहुत टाइम के बाद मिलेगी। तो आई होप आपको ल्यूकास टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन देते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल की होती है और सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। तो दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन माई डियर स्टूडेंट्स, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम विक्टिम ईयर टेस्ट देखते हैं जो कि रैंक डिसाइडिंग बनता है और हमें पता होना चाहिए। तो लेट्स सी विक्टिम ईयर टेस्ट। विक्टिम ईयर टेस्ट बच्चा लोग, अभी जो मैंने ल्यूकास टेस्ट बताया था उसको हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी बोलते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, एंड सेम इज विद विक्टिम ईयर टेस्ट। दिस विक्टिम ईयर टेस्ट इज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, VMT के नाम से फेमस है। VMT मीन्स व्हाट? विक्टिम ईयर टेस्ट। और इस विक्टिम ईयर टेस्ट पे जब क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, तो आप क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो बात इस बात की कि आसान क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा और टफ क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। लेट्स सी आसान और टफ दोनों ही क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसी स्लाइड पर मैं आसान क्वेश्चन लिखकर बताता हूँ। देखिए आसान क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, देखना कैसे। प्राइमरी अल्कोहल विक्टिम ईयर टेस्ट का विक्टिम ईयर टेस्ट करोगे तो रेड रोज कलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेड रोज कलर। बहुत ही आसान बात है, ये तो एकदम आसान सी बात है सर, आप डरा रहे थे। सेकेंडरी अल्कोहल, देखो नाम कलर से ही पता चल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में कैसा कलर मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल
ब्लू कलर कैसा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टर्शियरी अल्कोहल नो कलर, टर्शियरी अल्कोहल नो कलर। अब बच्चा सोचेगा सर आप तो कह रहे थे बहुत टफ होता है, ये होता है, ये तो बहुत आसान सी चीज, कोई बच्चा भी रट लेगा। मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये वो बात है जब आसान क्वेश्चन आता, लेकिन क्वेश्चन जब टफ आएगा ना भाई साहब, बड़े थोके है इस राह में बापू जी, संभल के चलना पढ़ाई में जरा संभलना। आइए देखते हैं इन डिटेल, डिटेल में देखते हैं विक्टोमिया टेस्ट। और लोग जानते हैं कि सिर्फ अल्कोहल देते हैं विक्टोमिया टेस्ट, लेकिन अभी आप जानेंगे कि कौन कौन और कंपाउंड्स भी देते हैं विक्टोमिया टेस्ट। आइए देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल आपकी आंखों के सामने CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराई जाएगी, जानते किससे, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। इसकी जिंदगी में फॉस्फोरस एंड आयोडीन को लाया जाएगा P+I2। तो ये कंपाउंड बदल के क्या बन जाएगा, CH3CH2I इथाइल आयोडाइड। फिर इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, सोच सकते हो किससे कराई जाएगी, सोचो जरा, किसी को आता हो वीडियो को पॉज करो और सोचो किससे कराई जाएगी, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, AgNO2। माय डियर स्टूडेंट वहां पे लिखा होगा AgNO3, AgNO3 को टिक गलती से बिना कर देना, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट इज राइट, नाइट राइट, नाइट राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखते हैं, ये बन जाएगा CH3CH2NO2NO2। अब इसकी रिएक्शन होगी नाइट्रस एसिड से, किससे होगी, नाइट्रस एसिड, वहां पे नाइट्रिक एसिड भी दिया होगा, लेकिन फर्स्ट मत जाल में जाना, नाइट्रस एसिड HONO, नाइट्रस एसिड N डबल बॉन्ड O OH, नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2, नाइट्रस एसिड। मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ से पानी निकल जाएगा, मारे को तो पानी निकालना है, पानी निकल गया तो क्या मिलेगा, लेट्स सी क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3CNO2 डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। और जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे हम लोग, किससे कराएंगे, NaOH, तो ये देता है रेड रोज कलर। माय डियर स्टूडेंट्स, रेड रोज कलर, प्यारे बच्चा लोग, रेड रोज कलर। इतनी चीज़ें हैं, ये सीक्वेंस है, और वो एग्जामिनर आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है और रिएक्शन भी पूछ सकता है। और इस तरह से सिर्फ हम जानते थे कि ये अल्कोहल ऐसा देता है, लेकिन आपने देखा और पाया कि ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, और ये भी देता है, ये सब के सब विक्टोमिया टेस्ट देते हैं। अब यहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते, आओ देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल रहा होता तो देखते हैं क्या होता। सेकेंडरी अल्कोहल होता तो ऐसा होता जो आपके सिलेबस में है, मान लो मैं ऐसे ले लूँ CH3, दो R ले लेता हूँ CH3 की जगह, R भी तो लिए जा सकते हैं, वी कैन टेक R, R2CHOH, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल माई डियर फ्रेंड्स, कैन यू सी, सेकेंडरी अल्कोहल है ये। इसके सामने अगर फिर से फॉस्फोरस एंड आयोडीन आएगा, फॉस्फोरस एंड आयोडीन आएगा तो क्या मिलेगा हमको, R2CHI मिलेगा। फिर से इसके सामने सिल्वर नाइट्राइट आएगा, HNO2 आएगा, तो हमको क्या मिलेगा,
हम सभी जानते हैं पिछली रिएक्शन से R2CHNO2 मिलेगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है इस बार एक ही एसिडिक एच है यहाँ पर। पिछली बार यहाँ पे दो एसिडिक एच थे, राइट नाउ यहाँ पर सिर्फ एक एसिडिक एच बचा है। अब इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो कैसे नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा, NOH पलट के आएगा ये जिससे कि वाटर निकल पाए। और यहाँ से देखिए इसकी ज़िंदगी से HNOH चला गया तो हमें क्या मिला, लेट्स सी व्हाट वी गॉट। वी गॉट R2 C N double bond O NO2। इसको बोलते हैं बच्चा लोग स्यूडो नाइट्रॉल। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रॉल। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल। और जब इसकी रिएक्शन NaOH से होती है तो हमको मिलेगा ब्लू कलर। क्या मिलता है? ब्लू कलर। वी विल गेट ब्लू कलर, ब्लू कलर मिलेगा हमको। तो ये थी सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप देखें अगर टर्शरी अल्कोहल होता तो यहाँ पे एक भी एसिडिक एच नहीं होता, और जब एक भी एसिडिक एच नहीं होता तो हमको कोई भी कलर नहीं मिलता। अब मुद्दे की बात ये है कि ये रिएजेंट याद कैसे होंगे, ये रिएजेंट का सीक्वेंस याद कैसे होगा, अगर ये तो कोई भी पढ़ा सकता है तो फिर वाई HSP ओनली। HSP का मतलब, इसकी ट्रिक देता हूं। देखिए ट्रिक क्या है, पियाजी। क्या पियाजी? हाँ हाँ पियाजी। देखो ट्रिक देखिए क्या जबरदस्त ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, आप दिल खुश हो जाएगा इस ट्रिक का। मस्त ट्रिक फॉर द सीक्वेंस ऑफ व्हाट? यस विच सीक्वेंस वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट के लिए मैं आपको देने वाला हूं शानदार ट्रिक। विक्टर मेयर टेस्ट के लिए आपको मिलने वाली है HSP की तरफ से फ्री में शानदार ट्रिक। वो ट्रिक देखिए क्या है, पियाजी नाइट इज राइट जाने के लिए, होनोलुलु जाने के लिए नाइट इज राइट। यहाँ तक समझ में आया? फॉस्फोरस आयोडीन सिल्वर नाइट्राइट, नाइट इज राइट पियाजी, नाइट इज राइट। होनोलुलु जाओ, कहाँ जाओ? होनोलुलु जाओ। जब मैंने ये ट्रिक बनाई थी आज से 20 साल पहले तो मुझे नहीं पता था कि होनोलुलु नाम की जगह है। क्यों? ना मोबाइल होता था, ना इंटरनेट होता था, कुछ नहीं होता था, पता भी नहीं था। अब हमें पता है कि चाइना के आगे होनोलुलु, तो होनोलुलु का होनो, पियाजी नाइट इज राइट, होनोलुलु जाओ, वहाँ पे नहाओ, जाके क्या करो, नहाओ, पहले तुम नहाओ और फिर हमारे लिए रेड रोज लेकर आओ। ये किसी की फरमाइश है अपने पति से, पियाजी नाइट इज राइट, होनोलुलु जाओ, नहाओ, रेड रोज लेकर आओ। इसका मतलब कौन कौन से रिएजेंट कवर हुए, फॉस्फोरस प्लस I2 Ag नाइट्राइट, AgNO2, गलती नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे AgNO3 भी दिया होता है ऑप्शन में, AgNO3 टिक नहीं करोगे। होनो का होता HNO2, वहाँ पे ऑप्शन में HNO3 भी दिया होगा, टिक कर देना, यहाँ पे कुछ और भी दिया होगा। नहाओ मतलब NaOH। पियाजी नाइट इज राइट, होनोलुलु जाओ, नहाओ, रेड रोज लेकर आओ। दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल। देखें रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम यूज होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी मेरी ट्रिक्स? आपका HSP मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में शिद्दत से कमेंट डालना ना भूलिएगा, ठीक है? इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा। और आप जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो समाज की सेवा करिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।